झारखंड में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी क्या क्या प्रपंच कर रही है, इस बात को जरा गौर से देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, उनकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनके हेलीकॉप्टर को 150 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जाना था, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना था, और इसलिए 150 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री का ही हेलीकॉप्टर रोक दिया गया। जबकि चुनाव आयोग ने वायदा कुछ और किया था। और अब इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति, और वो चूंकि आदिवासी भी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेटर लिखा है, एक त्राहिमाम संदेश भेजा है उनको कि देखिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। खबर वाकई जो है वो दिलचस्प है कि किस तरीके से झारखंड में अगर बीजेपी ये सब कुछ कर रही है और अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री को भी चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो कि सनसनीखेज आरोप यहां पर अपने आप में साबित होते हैं। इसके बाद में हेमंत सोरेन ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से अब हेलीकॉप्टर की राजनीति वो गर्मा गई है। हेमंत सोरेन ने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं झारखंड के अपने लोगों के बीच में न रह पाऊं, इसीलिए भाजपा मुझे साजिश करके झूठे आरोप में जेल में तो भेज सकती है, चुनाव में मेरा हेलीकॉप्टर तो रुकवा सकती है, मगर लोगों के दिलों से उनके इस बेटे को और भाई को कैसे रोकेगी, नहीं रोक पाएगी। ये हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जो है वो मेरा हेलीकॉप्टर भले ही रुकवा दे, मुझे जेल में भेज दे, लेकिन लोगों के दिलों से मुझे नहीं निकाल सकती है। अब जब ये पूरा जो मामला है हेलीकॉप्टर रोकने का मामला, उसको जरा विस्तार से समझिए। दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को कवर किया है और कम से कम जो अंधभक्त है वो दैनिक जागरण अखबार की तो मान ले, और किसी अखबार को अगर ना माने तो दैनिक जागरण अखबार की खबर आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहती है खबर? ये खबर बताती है कि हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया, सुरक्षा का हवाला देकर के बेवजह हेलीकॉप्टर रोका गया, और इसी को लेकर के राष्ट्रपति को त्राहिमाम संदेश झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भेजा है। इस खबर के अंदर दिखाया गया है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हवाला देकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने से रोक दिया गया, और अब उसी को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति को लेटर भेजा गया है गुहार लगाते हुए। इस खबर में लिखा है कि पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने लेटर भेजा है राष्ट्रपति को और उनसे गुहार लगाई है कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करें। इस प्रकार से इस खबर के अंदर लिखा है, इस खबर में आगे लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी प्रखंड में दोपहर में 1:15 पर एक सभा होनी थी। दूसरी सभा उनकी सिमडेगा जिले के बाजार टांड मैदान में होनी थी, इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति ली गई थी। उधर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाईबासा कॉलेज मैदान में 2:40 पर सभा प्रस्तावित थी। चाईबासा से गुदड़ी की दूरी लगभग 80 किलोमीटर और गुदड़ी से सिमडेगा की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला देते हुए लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर ही 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ान भरने से रोका गया। आयोग की ओर से यह बताया गया था। अब सुन लीजिए कि चुनाव आयोग ने इसको लेकर के पहले क्या बताया था पार्टियों को। आयोग की ओर से बताया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा दृष्टिकोण से
50 किलोमीटर की व्यास से 15 मिनट का उड़ान वर्जित क्षेत्र लागू किया जाएगा। आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को लिखित और मौखिक रूप से यह आश्वस्त किया था कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, प्रचारकों और अधिकृत प्रत्याशियों को एक समान अवसर देकर के निष्पक्ष, भयमुक्त चुनाव प्रचार के साथ साथ मतदान सुनिश्चित किया जाएगा। और अब इसमें हेमंत सोरेन को चुनावी दौरों को साजिश के तहत प्रभावित किया जा रहा है। तो ये तो खबर हुई, और ये खबर जो है वो आसान भाषा में जरा समझ लीजिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी, उनके महासचिव की तरफ से लेटर लिखा गया है राष्ट्रपति को। अब जाहिर सी बात है, जब लेटर लिखा जाता है राष्ट्रपति को तो उसमें कुछ बैकग्राउंड देना पड़ता है कि क्या वजह है जिस वजह से हम राष्ट्रपति को लेटर लिख रहे हैं। मतलब कोई आसान बात नहीं है कि आप किसी भी घटना को लेकर के कोई ऐसे ही जो है वो कोई सामान्य घटना हुई है और उसको लेकर के आप राष्ट्रपति को लेटर लिख दे, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति को लेटर आप तभी लिखते हैं जब कोई बहुत बड़ी घटना हुई हो और उसको लेकर के आपने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है। अब इस लेटर में उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग ने हमें बताया था, लिखित में भी और मौखिक में, लिख करके भी कहा था और वैसे भी कहा था, कि जहां पर प्रधानमंत्री का रैली होगी, जहां पर प्रधानमंत्री का रूट होगा, उसके 50 किलोमीटर के रेडियस में, 50 किलोमीटर के रेडियस में आप उड़ान नहीं भर सकते हैं, दूसरा कोई और हेलीकॉप्टर जो है उसमें नहीं आ सकता है। और ये जो है वो अलग अलग राज्य में ज्यादा या कम जो है वो दूरी हो जाती है। जैसे आप दिल्ली में आए, अगर मान लीजिए फरवरी में चुनाव है तो दिल्ली में तो 50 किलोमीटर में दिल्ली ही खत्म हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 50 किलोमीटर में, मान लीजिए कि मोदी जी की सभा जो है, हालांकि दिल्ली में बहुत सारा रूट जो बाय रोड भी हो जाता है कवर, लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए कि प्रधानमंत्री को बवाना जाना है या प्रधानमंत्री को पालम एयरपोर्ट की तरफ जाना है, उनका हेलीकॉप्टर जाएगा, तो ये तो नहीं है कि फिर हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जितनी भी उड़ाने हैं उनको बंद कर दें, ऐसा नहीं होता। लेकिन झारखंड के अंदर ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री की जहां पर रैली होगी उसके 50 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में आप उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन यहां पर 150 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया ये, और इसको लेकर के 1.5 घंटे तक। अब ये अपने आप में एक बड़ा अजीब है कि 1.5 घंटे तक आप राज्य के मुख्यमंत्री को कैसे बैठा सकते हैं। सोचिए, इस तरह की खबरें पहले भी निकल करके सामने आई, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया था, लोकसभा चुनाव में खबर निकल करके सामने आई। तो ये सुरक्षा में अपने आप में बड़ी चूक है कि आप किसी मुख्यमंत्री को, किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को कहीं पर बिना रूट के, बिना उनके प्री प्लान के आप एक जगह पर स्टक करके रख दें, उनको फंसा करके रख दें। लेकिन हेमंत सोरेन इसके बाद में भी जोरदार पलटवार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने इसको लेकर के ट्वीट किया, हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक सभा से दूसरी सभा सिर्फ अपने लोगों का प्यार और आशीर्वाद, अपने लोगों से मिलने के लिए भाजपा मुझे जितना रोकना चाहती है रोक करके देख ले, रोक नहीं पाएगी, जय जोहार, जय झारखंड। और ये तस्वीर देखिए जो हेमंत सोरेन ने इस वीडियो के जरिए यहां पर साझा की है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि लोगों के साथ में माला, सामूहिक माला वो पहन रहे हैं, और फिर उसके बाद से माला पहनने के बाद मंच से हेलीकॉप्टर तक दौड़ते दौड़ते हेमंत सोरेन जाते हैं। मतलब हेमंत सोरेन ने इस पूरे चुनाव को अपने कंधों पर लेकर के वो चल रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं और गठबंधन के भी बड़े नेता हैं, लिहाजा पूरा चुनाव जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरे चुनाव में इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और यहां तक घूम रहे हैं कि वो बहन बेटी की बात तक भी आ गए। ये प्रधानमंत्री का लेवल नहीं होता है, प्रधानमंत्री बहन बेटी की बात तक आ जाए कि अपने आप में एक बड़ी जो है वो शर्मनाक बात कही जाती है। और दूसरी बात कि प्रधानमंत्री के रहते हुए देश के अंदर घुसपैठी आ रहे हैं और घुसपैठी एक राज्य की बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। मोदी जी ने कहा था, आगे आपको सुनाऊंगा, लेकिन हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। भाजपा को चिढ़ होती है यह देख करके कि कोई आदिवासी और वंचित समाज का व्यक्ति अपना कार्यकाल पूरा कर रहा है, इसीलिए उन्होंने समय से पूर्व झारखंड में चुनाव करवा दिया। संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बना करके यह लोग इनके खिलाफ
आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का काम करते हैं। अब जरा ये सुनिए एक बार और उसके बाद में क्या इसके पीछे कहानी है वो आपको बताता हूं। अभी तो हम लोग इस 5 साल में कोरोना से भी लड़ाई लड़ा, 2-2.5 साल तो कोरोना ही खा गया और 2-2.5 साल तो हम लोग विपक्ष के साथ लड़ते रहे, हमको जेल में भी डाल दिया। और आपको मालूम है मेरे सरकार का 5 साल को भी पूरा नहीं होने दिया, 1 महीना पहले चुनाव का घंटी बजा दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी पूरे 5 साल कार्यकाल करें, 5 साल पूरा कर सके। कभी भी राजनीति होने के बाद का कोई इतिहास नहीं है कि समय से पहले चुनाव हुआ हो, और कौन सा विपत्ति, कौन सा आपत, कौन सा आपदा आ गया जो आप समय से पहले चुनाव करा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के पास अधिकार है। तो अधिकार का उपयोग ऐसे होता है क्या? आज केंद्र एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बनकर पूरे देश के विपक्षों रास्ते नाबूद करने में लगा हुआ, जो उसके विरोध में आवाज उठाता है उसको या तो जेल में डाल दो और जेल में सड़वा दो। कई आज के दिन में कई ऐसे लोग हैं जो केंद्र सरकार के विरोध में आवाज उठाया वो आज तक जेल में है, कोई सबूत नहीं। हमको भी जेल में डाल दिया था इन लोगों ने बिना सबूत का। आज तो गतवा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भरी कर दिया और आज फिर आपके बीच में खड़े। हमारा सरकार गिराने में, हमारे विधायक सांसदों को खरीदने में लगातार इनकी षड्यंत्र जारी रही है। दरअसल झारखंड का जो चुनाव है उसमें अभी वक्त बचा हुआ है, झारखंड की जो विधानसभा है उसको भंग होने में अभी वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र सिर्फ 13 दिन का अंतर था हरियाणा की जो विधानसभा है उसको भंग होने में और महाराष्ट्र की विधानसभा भंग होने में सिर्फ 13 दिन का अंतर था। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जो आमतौर पर एक साथ होता है उसको अलग अलग कराया गया, और यहां पर देखिए आप महाराष्ट्र का चुनाव के साथ में झारखंड का चुनाव करवा दिया, तो ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है। और दूसरी तरफ न केवल चुनाव हो रहा है बल्कि चुनाव में भाजपा ने अपने मुख्यमंत्रियों को, दर्जन भर कैबिनेट मंत्रियों को, अलग अलग नेताओं को यहां पर ला दिया है, और इसीलिए हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे गिद्ध आ गए हैं। क्या कहा है उन्होंने सुनिए। झारखंड में भाजपा के राजनीतिक गिद्ध मंडरा रहे हैं, झारखंड की जनता इन्हें जवाब देगी, हमने राज्य में विस्थापन आयोग भी बनाया है, हर एक विस्थापित को हक अधिकार के देने का काम अबुआ का सरकार करेगी। 13 तारीख को चुनाव है, अभी यहाँ पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री, आप तीर धनुष तैयार करो, जितना जीत लोग उड़ रहा है सबको एक करके जमीन पर गिरा रखा है। आज ये विस्थापन की बात करते हैं, ये आज बात करते हैं, हमने विस्थापन आयोग बना दिया है और अगला सरकार बनने के बाद जितने लोग विस्थापित हुए हैं, जिसको रोजगार नहीं मिला, जिसको मौका नहीं मिला, एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान चाहे खदान हो चाहे किसी का कंपनी हो वहां से निकाला जाएगा। अभी तो हम कुल मिलाकर के चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हिमंता बिस्वा शर्मा हो, हेमंत सोरेन को पूरी तरीके से टारगेट करके यहां पर उन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन और उनके साथ में कल्पना सोरेन वो भी जबरदस्त तरीके से उभर करके उनके साथ में मिलकर के काम कर रही है। कोई बड़ा मुद्दा झारखंड में बीजेपी ऐसा बना नहीं पा रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री को शायद बेटी तक पहुंचना पड़ गया। सुनिए जरा। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है
कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेटी की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री यूसीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि ना यहां पर एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा। क्या चलेगा, क्या कहा सुनिए। झारखंड में सिर्फ सीएनटी एसपीटी चलेगा, ना यूसीसी चलेगा न एनआरसी। ये गुजरात का एक ऐसा बड़ा जमात, उनके बराबर इस देश में कोई पैसा धन से नहीं कर सकता और उसी पैसे धन के बदौलत ये देश दुनिया में गरीब आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर राज करना चाहता है। आज यहाँ आए हैं ये लोग, कहते हैं कि एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटीएस होगा, पैसा कानून होगा। कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन एक ऐसा चुनाव झारखंड में लड़ रहे हैं जब बीजेपी ये सोच करके चल रही है कि अगर महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो झारखंड को हर हाल में अपने हाथ में, अपने काबू में कर लिया जाए, ताकि कम से कम ये बताने के लिए या परसेप्शन के लिए हमारे पास में एक नैरेटिव रहे कि एक राज्य, चलिए इंडिया गठबंधन जीत गया, उसमें काफी फूट थी, गद्दारी का मैटर था, तो दूसरा राज्य जहां पर इंडिया गठबंधन के पास वो राज्य था वो हमने उनसे छीन लिया। तो इसलिए झारखंड को जीतने के लिए बीजेपी ने एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है और वहीं पर हेमंत सोरेन कह रहे हैं जेल का जवाब वोट से, हेमंत दोबारा, ये नारा जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है। बाकी अब चुनाव के नतीजे वो बताएंगे, 23 नवंबर को पता चलेगा कि यहां पर किसकी दाल इस बार झारखंड में गली है, वोटर किसके साथ गया है, झारखंड के लोगों ने किसका साथ दिया है और किसको जो है वो झटक दिया है। आप लोग बताइए आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।